हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी सो आज होगा हमारा फोर्थ लेक्चर ऑन द एंड लीनियर इक्वेशंस राइट लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा स्टार्टिंग के पार्ट में अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन मिनट्स तक मेरा वॉइस जो था टेक्निकल इश्यूज की वजह से आई थिंक सो ब्रेक हो गया या फिर नहीं रिचेबल था वो सो so, उसके लिए आई अप्रोजलाइज आई एम सो 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 सॉरी कि वो इतना बड़ा स्पैन आपको समझ में नहीं आया है सो so, मैंने क्या डिसाइड किया है ना उस पूरे लेक्चर को रिशूट करने से अच्छा एक चीज़ करते हैं क्या वो जो टॉपिक है वो एक्चुअली है क्या हम पहले डिस्कस कर लेते हैं so, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सोल्यूशन ऑफ लीनियर अल्जेब्रिक इक्वेशन ओके लीनियर अल्जेब्रिक इक्वेशन हम सबको पता है हमारे जो लीनियर अल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं वो कैसे होते हैं इट्स जस्ट इन द फॉर्म कि आप अगर एक इक्वेशन ले रहे हो प्लस बीवाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी वन कॉन्स्टेंट ले रहे हो हमारे पास या फिर d हो सकता है जीरो भी हो सकता है जहां पे हमारा ए कोई co होता है बी सी कोई होते हैं हमारा ए वाई एंड एक्स वाई जेड जो होता है वो होता है वेरिएबल्स होते हैं राइट सो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन वी आर डूइंग इज वी आर फाइंडिंग आउट सोल्यूशन

एक स्टेप अलग है अगर वो स्टेप नहीं समझा वो की पॉइंट नहीं पकड़ पाए सो so ये दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे एंड मार्क्स कर दोगे सो so हम सबको पता चल गया अब तक आइट्रेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं राइट right? आप नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स को रिपीट कर रहे हो ताकि आप जितना आइट्रेशन करते जाओगे उतना अप्रोक्सीमेशन के नियर बाय नियर बाय होते जाओगे राइट right? सो so, इसके बाद है गॉश साइडल या आपको इसे जो प्रोनाउंस करना है आइट्रेट्यू मेथड ओके सो so, ये दो मेथड्स थे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जाकोबीज के बारे में बताया नहीं समझ में आया इसके लिए ये वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे क्विक रिविजन करेंगे क्विक रिविजन इसके लिए क्योंकि जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं ना वो एग्जैक्टली 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 सेम है बस थोड़ा सा फर्क है सो so इसके लिए हम क्विकली करेंगे एंड उसके अंदर क्या था पता है ये लास्ट लेक्चर के हैं नोट्स सारे तो हमारे पास ना दिया जाता है इक्वेशंस तीन इक्वेशंस दिए जाते हैं आपको कहा जाता है इसके एप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालो किसके गो। गो निकालने के वेरिएबल्स के निकालोगे ऑफ कोर्स एक्स y z की आपको वैल्यूज मिलेगी इटरेशन परफॉर्म करते जाओगे अगर इटरेशन नहीं दिया है तो फिर आपको तब तक करना है जब तक आपका एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टू अल्टरनेट टू

थ्री ओके okay? इतना समझ में आ गया हम कहा तक पहुंचे थे फिर इसके बाद इसका जो डेरिवेशन है वो तो आपसे कोई नहीं पूछ रहा सिर्फ आपको कुछ फॉर्मुलाज भी नहीं है इसके अंदर बस आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है वो क्या है ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी उसके पहले हमने दो एक सम किया था उसके अंदर लास्ट लेक्चर में दो एक सम किया था वो एक सम के बाद मैंने आपको दो क्वेश्चन ट्रायल के लिए दिए थे ये फर्स्ट था एंड ये हमारा सेकेंड था सो so, वो वाले लेक्चर को वो वाले सेशन को रिपीट करने से बेटर था आपको आपका जो ट्रायल वाला सम था उसे हम करवा दे राइट? सो so, आपका रिवीजन भी हो जाएगा आपका सम भी सॉल्व हो जाएगा कॉन्सेप्ट सम भी समझ में आ जाएगा ओके सो so, हम क्या करेंगे ओके? सो so, हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है हमें ध्यान क्या रखना है पता है यहाँ पे सिंबल्स का बहुत ध्यान देना है कैसे बताती हूँ यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज मेंशन किया गया है कि आपको थ्री आइट्रेशन तक ही मूव करना है सो so, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन सेकेंड आइट्रेशन एंड थर्ड आइट्रेशन एंड यू आर डन विथ योर क्वेश्चन ओके okay? अगर नहीं मेंशन किया है तो जब तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आ जाती सिमिलर तब तक करते जाना है तब वो छ हो सात हो आठ हो दो हो तीन हो चार हो जितना भी हो सकता है ओके So, यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है सिंपली आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी थी हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा राइट तो आप क्या करोगे सबसे पहले यू विल जस्ट कंसिडर दिस इक्वेशन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मैं जानू यहां पे लिख रही हूँ छोटा होप दिख भी रहा होगा ताकि वो साइड हम यूज कर सके माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टेन फर्स्ट इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो सो आप क्या करो बाकी जितने टर्म्स है ना उसे उस तरफ शिफ्ट कर दो तो माइनस जेड हो जाएगा अब क्या करना है आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए थी यानी ये फाइव को हम नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वन बाई फाइव टेन प्लस वाई माइनस जेड हो गया दैट लेट अस वर्क फॉर द अनदर सीन दैट इज टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व यहाँ पे देखो भाई साहब z का टर्म ही नहीं है सो so, अब z को क्या अज्यूम करोगे जीरो अज्यूम करोगे फिर इसके बाद हमें इससे सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू मिलेगी किसकी वैल्यू मिलेगी y की ओके okay? सो so, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा फोर वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस सॉरी ट्वेल्व माइनस टू एक्स इफ यू वॉन्ट इफ यू वॉन्ट तो आप डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई फोर भी कर सकते हो इफ यू वॉन्ट बट लेट्स सी ओके ये क्या हो जाएगा वन बाई फोर ट्वेल्व माइनस डिवाइडिंग थ्रो आउटरी थ्रोड बाई टू कर दोगे तो क्या हो जाएगा टू वाई इक्वल्स टू सिक्स माइनस एक्स हो जाएगा कि okay, ये हो गया अब हम वाई के लिए निकालते हैं सॉरी जेड के लिए निकालते हैं तो जेड के लिए निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन क्या कहता है एक्स प्लस वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल्स टू माइनस वन ओके Let us do. तो इससे हमें जेड मिलना है तो हम क्या कर रहे हैं हम क्या करेंगे फाइव जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस माइनस एक्स माइनस वाई ये हमें मिल गया अब हम क्या करना है जेड की वैल्यू निकालने तो जेड इज इक्वल्स टू वन अपॉन फाइव माइनस वन माइनस एक्स माइनस फाइव इफ यू वॉन्ट तो आप क्या कर सकते हो माइनस जो था हमारा टर्म उससे बाहर भी निकाल सकते हो इफ यू वांट ओके सी इतना टर्म हमारे पास मिल गया एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू इधर क्या हो गया एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू मिल गई हमें सो okay. so, अब हमें क्या करना है यहां तक पहुंच गए ये आपका फर्स्ट स्टेप था

सो so, अब क्या करना है आपको x, y एंड z की वैल्यू इस पर्टिकुलर में जहां पे भी x सॉरी जहां पे भी y रहेगा अब x की वैल्यू निकाल रहे हो तो वहां पे y है और z है तो y की वैल्यू क्या करोगे जीरो पुट करोगे z की वैल्यू क्या करोगे जीरो पुट करोगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास इधर सिर्फ x है तो आप क्या करोगे x की वैल्यू जीरो पुट करोगे नेक्स्ट हमारे पास y के साथ क्या है x है x की वैल्यू जीरो पुट कर दो y की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे ओके सो लेट अस डू दैट थिंग तो जब आप ये करोगे ना तो ये होगा आपका फर्स्ट आइट्रेशन कौन सा होगा फर्स्ट आइट्रेशन होगा तो फर्स्ट फर्स्ट्रेशन हम कैसे डिनोट करते हैं यानी कि वी आर फाइंडिंग आउट वैल्यू फॉर एक्स वन वाई वन एंड जेड वन हम किसके निकाल रहे हैं फर्स्ट आइट्रेशन है हमारा तो एक्स वन वाई वन एंड जेड वन आप ऐसे मत करना आप एक के नीचे एक करो मेरे पास फिर वो दिखाई नहीं देता मुझे एंड फिर टाइम वेस्ट होता है ऊपर नीचे स्लाइड करने में कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं सो आई डोंट वांट दैट थिंग इसके लिए हम ऐसे कर रहे हैं बट आप पूरे पेज को यूटिलाइज करो ओके okay? सो so हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वन की वैल्यू निकाल रहे हैं इसके अंदर तो ये क्या होगा वन बाई फाइव वन बाय फाइव टेन माइनस सॉरी टेन प्लस y y क्या है वाई जीरो वाई जीरो क्या है हमारा जीरो तो वो तो जीरो ही हो जाना है तो वो तो कुछ वैल्यू नहीं है उसकी फिर उसके बाद z भी है z भी जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली उसे इग्नोर कर देंगे वैसे ही सेम इसमें भी आप x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या बचा हमारे पास ट्वेल्व माइनस टू इंटू जीरो अब टू इंटू जीरो तो जीरो होता है तो क्या बचा हमारे पास ट्वेल्व बाई फोर बचा यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ट्वेल्व बाई फोर नेक्स्ट क्या मिला हमारे पास इज इक्वल्स टू वन बाय फाइव है यहाँ पे आप जीरो जीरो पुट कर रहे हो तो हमारे पास क्या बचा वन बाई फाइव इन माइनस वन दैट इज इक्वल टू आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल रही है क्या टू मिल रही है इससे क्या मिल रही है थ्री मिल रही है और इससे क्या मिलेगी आपको माइनस ऑफ वन बाय फाइव कैल्कुलेटर यूज करो एंड इसकी वैल्यू निकाल दो दिस विल दिस यू विल गेट टू बी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू डायरेक्टली पता था मैंने क्यों किया करना पड़ता है कभी कभी तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको माइनस ऑफ जीरो पॉइंट टू मिल जाएगी ओके okay? नेक्स्ट आपको अब आप क्या करना है वी नीड टू वर्क फॉर सेकेंड हाइट्रेशन सेकेंड हाइट्रेशन के लिए वर्क करोगे तो आपको किसकी वैल्यू यूज करनी है ऊपर वाले हाइट्रेशन की वैल्यू यूज करनी है और किसकी वैल्यू निकाल रहे हो एक्स थ्री सॉरी एक्स टू वाई टू एंड जेड टू ज्यादा ही गैप छोड़ दिया ठीक है चलो एक्स टू वाई टू एंड जेड टू की वैल्यू आप निकाल रहे हो कैसे निकालोगे देख लो ऊपर क्या है वन अपॉन फाइव टेन प्लस वाई ई वन की वैल्यू ऊपर वाले एट्रेशन की वैल्यू डालोगे यानी कि थ्री माइनस जेड जेड क्या है हमारे पास माइनस ऑफ जीरो प्लस जीरो आंसर निकालो मैं थोड़ी देर के बाद निकालती हूँ वाई टू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास वन बाय फोर ट्वेल्व माइनस टू एक्स एक्स की वैल्यू क्या है टू है तो इधर डायरेक्टली फोर आ जाएगा आपके पास टू इंटू टू फोर होता है तो आप वो लिख दो इसकी और x2 की वैल्यू निकालने के लिए दिस विल बी 1/5 1, by 5, minus 1 minus x x की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है ऑफ y y क्या है हमारे पास 3 है जस्ट ऊपर वाले इटरेशन ऊपर वाली जो वैल्यू होगी जैसे 2 के लिए निकाल रहे तो फर्स्ट इटरेशन 3 के लिए निकालोगे तो सेकंड इटरेशन वैसे आपको करना है सो लेट अस फाइंड वैल्यूज पुट अप कैलकुलेटर्स निकाल दो अपने-अपने एंड जस्ट डू टी प्लस टू डिवाइडेड बाय फाइव करोगे तो गेट टू पॉइंट सिक्स फोर आपका आंसर क्या है टू पॉइंट सिक्स फोर ओके टू पॉइंट फोर नेक्स्ट चलो अभी ट्वेल्व माइनस फोर करोगे तो एट बचेगा एट बाय फोर करोगे तो क्या बचेगा वाई टू आपको टू बचेगा

हो जाता है कभी कभी दिस इज आर थर्ड आइट्रेशन होप वॉल्यूम सही है दिस इज आर थर्ड आइट्रेशन थर्ड आइट्रेशन में करोगे तो किसकी वैल्यू मिलनी है एक्स थ्री की वाई थ्री की एंड जेड थ्री की वैल्यू मिलेगी और आपकी वैल्यू यूज कौन सी करनी है ऊपर वाले आइट्रेशन की याद रखना यूज कौन सी करोगे ऊपर वाले आइट्रेशन की सो दिस इज इक्वल्स टू वन बाई फाइव टेन माइनस वाई क्या था हमारे पास टेन माइनस वाई सॉरी टेन प्लस वाई माइनस जेड ये क्या है टेन प्लस वाई वाई क्या है हमारे पास टू माइनस जेड की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ वन पॉइंट टू अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो दिस विलू ओके नेक्स्ट क्या है हमारे पास जेड सॉरी वाई थ्री वाई थ्री के लिए क्या आता है वन बाय फोर ट्वेल्व माइनस टू ऑफ एक्स एक्स क्या है हमारे पास टू पॉइंट सिक्स फोर ओके अब नेक्स्ट वाई थ्री की वैल्यू क्या थी लड़ो सी वन ऊपर

ओके okay, यहाँ पे देखो ये तो अप्रोक्सीमेटली पूरा ही सेम है बट यहाँ पे थोड़ा सा वैरी कर रहा है बट थर्ड तक ही बोला था तो पे स्टॉप ना रिक्स मत लो कैलकुलेटर से करो माइनस टू आपको वैल्यू आनी है माइनस ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स इसको किससे डिवाइड करना है 5 से अच्छा आया थोड़ा सा सेम ही आया दैट इज माइनस ऑफ वन पॉइंट वन टू एट ओके सो आपको जो चाहिए आप वो रिसीव कर लो माइनस ऑफ वन पॉइंट एक सेकेंड आप वो रिसीव कर लो एंड यू आर डन विथ योर आंसर डिड आई वेंट समवेयर रॉन्ग कैलकुलेशन वाले पार्ट में माइनस वन अस डू वन थिंग माइनस वन माइनस टू पॉइंट सिक्स फोर भाई मुझे तो यही आंसर आया है माइनस ऑफ वन पॉइंट वन टू एट अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको आंसर दिया था माइनस ऑफ वन पॉइंट टू एट सो मैंने शायद ऊपर वाला दिया होगा बट दिस इज़ द आंसर मुझे जो अभी मिला है दिस इज़ द आंसर सो यूर एक्स वैल्यू टू बी इक्वल्स टू टू पॉइंट सिक्स फोर वाई टू बी इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स एट एंड जेड टू बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन पॉइंट वन टू एट और जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था इट वॉज माइनस ऑफ वन पॉइंट टू एट ओके सो so, ये हो गया सब काफ़ी इजी समय कुछ ज़्यादा नहीं था आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग आज के आज का जो सेशन होगा हमारा वो भी सेम है सो लेट अस डिराइव दैट थिंग ताकि आपको समझ में आए इतना पार्ट होप्स आपको समझ में आ चुका है सो so, अब हम इसके ऊपर जम करते हैं सेम कन्सेप्ट से आप जब वो स्लाइड्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा सेम है छोटी सी डिफरेंस है कहाँ डिफरेंस है मैं बताती हूँ तब तक यही समझना कि हम गौश जाको में ओके सो अब हमें क्या करना है स्टार्ट टू एंड समझाऊंगी सेम है क्योंकि इसके लिए। चलो, इधर भी देती हूँ कि हम जे, आ, भी सेम ही करते हम क्या करेंगे सबसे पहले एज्यूम करेंगे linear equations को, तीन लिनियर इक्वेश को कैसे एज्यूम करेंगे Let us consider it in normal, normal हमारा बेसिक्स so, हम क्या करते हैं एक्स वन एक्स प्लस डी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल्स टू डी वन नॉर्मल ए टू एक्स प्लस बी टू इस ये आपको कोई पूछता नहीं है बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हमें फॉर्मूला लर्न तो नहीं करना हमें फॉर्मूला को क्या करना है ध्यान से कंसेप्ट वाइज समझना है एंड देन लर्न तो अपने आप हो जाता है यार फिर वो so, ये था हमारा फर्स्ट हमें जो दिया जाता है याद करो जस्ट जो हमने अभी सम सॉल्व किया उसके अंदर क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू इसके पहले एक बता देती हूँ इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन इन सम्स बट जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये क्या हो रहा है <laughs> जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं थ्री थ्री राइट हमारे डायगोनल एलिमेंट्स देखो डायगोनली जा रहे हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना यानी इनमें जो जितना भी नंबर होगा कॉन्स्टेंट होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर ऑफ

So, let us do that step. X to, X क्या था हमने कैसे लिखा था उधर हम एक्स निकाल रहे फर्स्ट वाली वैल्यू से तो बाकी सारे टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट कर दो ये क्या हो जाएगा डी वन माइनस बी वन वाई माइनस सी वन जेड फिर क्या आएगा एक्स टू भी ए वन डी वन माइनस बी वन वाई माइनस सी वन जेड देखा सेम आ रहा है सेम ही चीज कर रहे हैं हम ज्यादा कुछ उल्टा पुलटा नहीं कर रहे सेम वाई के लिए करोगे तो क्या आएगा ए टू वाई ए टू एक्स B2, y, D2, minus A2X, minus C2Z, हो आप सबको समझ में मैंने क्या किया फिर उसके बाद अपॉन बी टू डी टू माइनस ए टू एक्स माइनस सी टू जेड सेम नेक्स्ट अगेन लेट गो फॉर जेड वाला दिस विल बी सी थ्री जेड टू भी इक्वल्स टू डी थ्री माइनस ए थ्री एक्स माइनस b3y आपने क्या किया वापस से उस तरफ लेके गए तो हमारा z क्या आ जाएगा 1/c3 g3 a3x b3y जब ये स्टेप करोगे सिर्फ साइंस का ध्यान देना बाकी सारी चीजें तो एज इट इज रहनी है अब हमें क्या मिला xy एंड z की वैल्यू मिल गई अब हम गॉश जाकोबी में क्या करते थे डिफरेंस लिखती हूँ यहाँ पे गॉश जाकोबी में वी यूज्ड टू फाइंड पुट हम यहाँ पे लिखेंगे साइडल जाकोबी में हम क्या करते थे वी पुट तीनों वैल्यूज को कंसिडर करके हम हमारे फर्स्ट आइट्रेशन पे जम्प करते थे राइट जम फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू हम निकालते थे फिर उसके बाद हम क्या करते थे हमें किसकी वैल्यू मिल जाती थी मिलता 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 था, था था, और Z1 मिलता था। इनकी वैल्यू मिल जाती थी फर्स्ट एट्रेशन से और हम इन तीन तीनों की वैल्यू एक्स टू डेट इज सेकेंड आइट्रेशन में यूज करते थे फिर सेकेंड आइट्रेशन की वैल्यू हम थर्ड आइट्रेशन में सब्सटीट्यूट करके थर्ड इटरेशन वाली वैल्यू निकाल देते ये था हमारा गौश जाकोबीज मेथड ये क्या था हमारा गॉस जाकोबीज मेथड फर्स्ट हम क्या करते थे जीरो पुट करते थे उसके बाद हम एक एक ऊपर वाले सॉरी ऊपर वाले इटरेशन की वैल्यूज नीचे वाले इटरेशन में कंसिडर करते थे बट जादू हो जाएगा कंफ्यूजन नहीं होना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जादू होना चाहिए यहाँ पे हमें यहां पे क्या करना है वी नीड टू यूज यूज मोस्ट रीसेंट वैल्यू हम क्या यूज करेंगे मोस्ट रीसेंट वैल्यू यूज करेंगे कैसे रिसेंट मतलब कि जो अभी अभी निकाली होगी ना आपने जैसे कि अभी मेरे पास ये वाला एक साम, ये वाला क्वेश्चन है ओके okay? सो so, ये क्वेश्चन में हमने X, y, Z की वैल्यू मिल गई ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आप पुट करोगे हमारे आइट्रेशन वन में सॉरी फर्स्ट आइट्रेशन में इसके अलावा वॉट यू विल डू सॉरी ये तो है ही बट यहाँ पे मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी मोस्ट रिसेंट यहाँ पे भी आप क्या करोगे y की वैल्यू जीरो डालोगे और z की वैल्यू जीरो q जीरो डालोगे मैं बताती हूँ यहाँ पे आप मोस्ट रिसेंट वैल्यू यूज कर रहे हो इतना तो मैंने आपको बता दिया अब आपके पास जब आप फर्स्ट आइट्रेशन करोगे तो आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा y जीरो जीरो होगा z जीरो भी जीरो होगा हमारा राइट right? फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू निकालेंगे एक्स वन की वैल्यू मिल गई फिर एक्स वन की वैल्यू निकालते नहीं बी अरे यार बी वाई जीरो माइनस सी जेड जीरो राइट ऐसे आता था फिर हम क्या करते थे वाई जीरो की वैल्यू क्या थी जीरो थी जेड जीरो की वैल्यू क्या थी जीरो थी अब आप निकालोगे वाई वन y1 निकाल रहे हैं y1 क्या रहा था हमारा हन अपॉन b2 d2 माइनस a x मैं जस्ट अभी समझ लो इतना मैं क्या लिख रही हूँ z आएगा यहाँ पे right अब आपने ये तो लिख दिया b2 की वैल्यू आपको पता रहेगी d2 की भी वैल्यू आपको पता रहेगी a x जो है हमारे पास ये कोएफिशिएंट की वैल्यू तो हमें पता है a2 की जो वैल्यू होगी ना मोस्ट रिसेंट वैल्यू कौन सी है ऊपर एक्स की वैल्यू तो नहीं है, है वैल्यू तो यूज करेंगे? करेंगे अब c z z की वैल्यू आपके पास मोस्ट रिसेंट कौन सी होगी जीरो होगी तो आप यहाँ पे क्या करोगे जेड जीरो की वैल्यू डालोगे अब नेक्स्ट वाले में बताती हूँ अब हम जा रहे हैं जेड वन पे ठीक है जेड वन क्या होता है वन अपॉन सी थ्री डिवाइडेड बाय सॉरी इन टू डी थ्री माइनस ए लेटमी राइट लाइक दिस जस्ट शुरू इतना याद रखो ए थ्री सी है हमारे पास D3 है हमारे पास ए ए की वैल्यू है B3 की वैल्यू बट अभी आप X की वैल्यू कौन सी यूज करोगे मोस्ट रिसेंट कौन सी है आपके पास X1 की है तो आप X1 की वैल्यू यूज करो Y की मोस्ट रिसेंट वैल्यू कौन सी है आपके पास Y1 की है तो आप वो वैल्यू यूज करोगे समझ में आया यानी कि जैसे जैसे आप आइट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू होगी ना मोस्ट जो अभी अभी जस्ट निकली होगी जैसे कि आप थर्ड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिल जाएगी एक्स पेन चेंज करती हो जब आप सेकेंड uh, आइट्रेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी है एक्स टू वाई टू एन जेड टू की वैल्यू आएगी ऑफकोर्स यहाँ पे हमारा वन अपऑन ए वन तो सेम ही रहेगा डी वन भी सेम ही रहेगा बट यहाँ पे अब हमारा बी y1 हो जाएगा एंड z 1 हो जाएगा फिर हम y2 के पास जाएंगे तो हमारे x की वैल्यू मोस्ट रिसेंट कौन सी होगी x1 तो नहीं होगी हमारे पास क्योंकि x2 है यहाँ पे एक्स टू आ जाएगा फिर z क्या आ जाएगा हमारे पास z1 हो जाएगा सेम उसी प्रकार z2 की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास x की रिसेंट मोस्ट वैल्यू कौन सी होगी x2 होगी और y की मोस्ट रिसेंट मोस्ट वैल्यू रिसेंट मोस्ट वैल्यू कौन सी होगी y2 होगी तो आप वो y2 लिख दो ओके okay. सो so, ये आपके पास यहाँ पे y2 की वैल्यू आ गई इस प्रकार आपको सेकेंड आइट्रेशन की सारी वैल्यूज मिल गई ऐसे ही थर्ड आइट्रेशन में करने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा सेम चीज अगेन लेट मी चेंज द पेन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी थर्ड आइट्रेशन निकाल रहे हो तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी x3 y3 एंड z3 थोड़ा कंफ्यूजन है थोड़ा से जम की जम की दिख रहा होगा so, यहाँ पे भी सारी चीजें रहेगी मोस्ट रिसेंट y2 की वैल्यू होगी Z के लिए Z2 की वैल्यू होगी उसी प्रकार हमारे X के लिए क्या होगी X3 की वैल्यू होगी मोस्ट रिसेंट यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री होगी यहाँ पे भी थ्री होगी यानी कि इतना समझ लो कि मोस्ट रिसेंट जो भी आएगा उसको यूज करना है ये था हमारा गॉश साइडल या फिर आपको इसे जो भी प्रोनाउंस करना है सीडल या साइडल जो भी प्रोनाउंस करना है ओके okay? सो so उसके बाद ये था अब ये आइट्रेशन आप कब तक करोगे पता है जब तक आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम नहीं मिल जाती आप फिर अगर आपको मैंशन किया गया है कि आपको क्या करना है स्टडी स्टडी एंड स्टडी बट समाइम्स इट जस्ट यू ओके सैचुरेटे यहाँ पे अब हमारे पास आइट्रेशन कब तक आएगा जब तक आप वैल्यूज सॉरी जब तक आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम नहीं मिल जाती बट जो मोस्ट प्रिसाइज एंड मोस्ट जल्दी या फिर बोलते हैं ना जल्दी किसका आंसर आता है कम आइट्रेशन में तो हमारा जो गॉस साइडल सीडल जो भी है इससे आंसर हमारे कम में आते हैं हैं अगर इसमें आइट्रेशन आ रहे हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है इसमें चार आइट्रेशन में आपको आंसर मिल जाएगा सो so, yeah. so, इस प्रकार से इसे सॉल्व करना इससे ज्यादा कुछ नहीं है थियरी में कंफ्यूजन हो सकता है बट आप बाद में जब सम्स की ओर जाओगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ये मैंने एक और स्लाइड बनाई है यहाँ पे ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यूज द वैल्यू ऑफ एक्स टू ऑबेन फ्रॉम अबो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई टू यूज वैल्यू ऑफ एक्स टू एंड वाई टू टू फाइन द वैल्यू ऑफ द टू देखो ये जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे ये जो छोटा सा नीचे स्टेटमेंट है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा यूज द वैल्यू ऑफ एक्स टू

उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बाकी दोनों एलिमेंट्स के से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे course, बड़ा है यहाँ पे पे कितना कितना होता 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 है बड़ा है यहाँ पे, 1 1 कितना होता है 2 होता है है बड़ा देखो और ये अपने इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा है ओके हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है बड़ा है सो so, इतना हो गया लेट नाइट स्टडी करना बहुत अच्छी चीज होती है <laughs> बट हमेशा नहीं क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत कभी कभी अनफ्रेश लगता है या फिर कभी कभी कहते हैं ना सैचुरेट हो जाते हो बहुत ज़्यादा ओके सो स्टडी बट हैव अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप स्लीप भी बहुत जरूरी है आपको एटलीस्ट सिक्स आवर्स तो सोना चाहिए एटलीस्ट सिक्स आवर्स ताकि वो कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर बनी रहे आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहे ओके okay? इसके लिए सिक्स आवर्स मिनिमम या फिर मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोलूंगी यार मैक्सिमम सोना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को बाकी तो तो ठीक है so, यहाँ पे इतना हो गया अब हमें क्या करना है हमारे पास हम सेपरेट कर रहे हैं बाकी सारे टर्म्स को उस तरफ लेके जाएंगे प्लस जेड ओके होगा हमारे पास सेम स्टेप है ना बहुत कैलकुलेटर तो भाई साहब खतरनाक लगने वाला है ऐसा भी हो सकता है बहुत कम हाइड्रेशन में हमें वैल्यूज मिल जाए होप मैंने सही किया है ओके अब हम कहा जाएंगे वाई वाले पे जम्प करेंगे तो वाई क्या है हमारा सिक्स एक्स ऐसे लिखना बेटर है बट क्यों बताती हूँ लिखना इसके लिए बेटर है क्योंकि इक्वेशंस की जो साइंस होती है वो वैरी करती है ओके okay? सो so, इसके लिए ऐसे कर दो दैट इज मच मोर बेटर फॉर यू ऑल टू जेड तो वाई क्या होगा वन अपॉन फिफ्टीन सेवेंटी टू माइनस सिक्स एक्स माइनस टू जेड मेरे टू और मेरे जेड में Confused, मत होना वरना मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा फिर so, नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन uh, है वो क्या है ऊपर okay. नीचे करने में बहुत डिस्टर्बेंस होता है 54Z is equals to 110, बापरे यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही पड़े

ओके okay, तो आइट्रेशन वन में मैंने आपको क्या कहा था हमें निकालनी है वैल्यू एक्स वन वाई वन एंड जेड वन की so, ये करने के लिए हमें क्या एज्यूम करना है जेड जीरो टू बी इक्वल्स टू जीरो एंड वाई जीरो टू बी इक्वल्स टू जीरो यानी वाई जीरो जीरो दोनों चीज कंसिडर करनी है एक्स के लिए नहीं कंसिडर करना पड़ेगा क्यों क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन आता है उसके अंदर हम एक्स के लिए वैल्यू डिराइव कर रहे हैं और एक्स के लिए डिराइव करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और बाकी सारी चीजों में क्या आता है सिर्फ फाइव और जेड आता है यानी इन दोनों की जगह पे आपको क्या करना है वैल्यू जीरो, जीरो जीरो पुट करना है यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन आई एम नॉट रिमेम्बरिंग अपॉइंट ट्वेंटी सेवन अपॉइंट ट्वेंटी सेवन एटी फाइव माइनस सिक्स प्लस जेड एटी फाइव प्लस जेड ओके ये हो गया अब क्या करो वाई की वैल्यू जीरो जेड की वैल्यू जीरो डालोगे तो इतना टर्म तो जीरो हो जाएगा यानी हम डायरेक्टली इग्नोर करके यहाँ पे क्या लिखेंगे एटी फाइव बाई ट्वेंटी सेवन लेटर्स पुट ऑफ योर कैलकुलेटर्स एंड साइड बाय साइड आंसर निकालते जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा एटी सेवन एटी फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सेवन यू विल गेट योर वैल्यू टू बी इक्वल्स टू थ्री पॉइंट वन फोर एट वन फोर एट वन फोर एट जो कि रिपीट होते जाता है सो जस्ट डू वन थिंग आप क्या करो थ्री पॉइंट वन फोर एट है रिपीट हो रहा है तो पिकअप क्योंकि 48 है 50 तक तो पहुंच ही सकता है हम एक डिसीमल से बढ़ा सकते हैं राइट right? तो हम क्या कंसिडर करेंगे वहां पे वैल्यू थ्री पॉइंट वन फाइव नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास वाई के लिए इट्स अपॉन फिफ्टीन सेवेंटी टू माइनस वन अपॉन फिफ्टीन सेवन टू बाकी सारे टर्म्स जीरो ही आने हैं नहीं जीरो नहीं आएंगे सो सॉरी so फिर उसके बाद क्या आएगा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है माइनस सिक्स वाई माइनस टू जेड माइनस सिक्स एक्स माइनस टू जेड सॉरी ओके यहाँ पे क्या आएगा अब हमें यूज करना है मोस्ट रिसेंट मोस्ट वैल्यू यहाँ पे एक्स की मोस्ट रिसेंट वैल्यू क्या है एक्स वन है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये एक्स वन की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालनी पड़ेगी वाई की मोस्ट रिसेंट वैल्यू क्या है जीरो है तो वाई के लिए तो टेंशन हमें नहीं है वाई वाला टर्म जब आप यहाँ पे जीरो डालोगे तो इन टू इंटू जीरो तो जीरो ही होना है तो इतना टर्म हम इग्नोर कर सकते हैं बट हमारे पास बचा क्या सिक्स एक्स

नेक्स्ट शॉर्ट जाते हैं जेड की जगह पे जेड के लिए हमारे पास कौन सी कौन सी वैल्यू रिसेंट मोस्ट आएगी एक्स वन एंड वाई वन की इनकी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी so, क्या है हमारे पास जेड वन अपॉन फिफ्टी फोर हंड्रेड एंड टेन माइनस एक्स माइनस वाई यहाँ पे रिसेंट मोस्ट वैल्यू क्या है एक्स एंड वाई की एक्स वन एंड वाई वन सो लेट एस पुट दैट थिंग एंड यू गेट योर आंसर टू बीवल्स टू वन अपॉइंट फिफ्टी फोर हमारे पास एक्स वन की वैल्यू क्या है थ्री पॉइंट सो ये क्या आएगा आपके पास वन अपॉन फिफ्टी फोर हंड्रेड एंड टेन माइनस एक्स वन इज थ्री माइनस वैल्यू पिकअप आर कैलकुलेटर हंड्रेड एंड टेन माइनस थ्री पॉइंट वन फाइव सॉरी थ्री पॉइंट माइनस थ्री पॉइंट फाइव फोर you will get your answer to be equals to 103.31 let us divide it by 54 you will get your answer to be equals to 1.91314848148148 ऐसा हो जाएगा. so just pick up 1.913 okay to ye kya aayega 1. That is equals to 1.91. Let us pick up इतना ही थ्री करना चाहते हो तो कर लो But हमने यहाँ पे भी दो ही डेसिमल्स यूज किया पीछे तो हम भी यहाँ पे दो ही डेसिमल्स लेंगे okay? सो so, ये बहुत दिख रहा है सो लेट अस गो अहेड अब आप कहा जा रहे हो सेकेंड हाइड्रेशन की ओर जा रहे हो आप कहा जा रहे हो सेकेंड हाइड्रेशन सेकेंड हाइड्रेशन में हम किसकी वैल्यूज निकालते हैं x2 y2 एंड z2 की वैल्यू निकालते हैं और ये करते टाइम वी यूज द वैल्यूज ऑफ जो कि रिसेंट मोस्ट होगी जैसे कि अब x के लिए करने वाले हो तो x में क्या क्या आता है y आता है एंड z आता है तो y एंड z के लिए आप क्या करोगे रिसेंट मोस्ट वैल्यू कौन सी है आपके पास x1 y1 एंड z1 की है फिर उसके बाद y को जब निकालोगे तो आप कौन सी वैल्यू यूज करते हो आप ये वैल्यूज यूज करते हो क्यों क्योंकि हमारे पास रिसेंट मोस्ट क्या आ जाएगी एक्स टू आ जाएगी एंड जेड वन के लिए सर जेड के लिए क्या होगी जेड वन होगी फिर जब जेड के लिए करते हो इतना याद रखो जो वेरिएबल इस तरफ है ना उसे छोड़ के बाकी दोनों वेरिएबल इस तरफ आएगी जैसे जेड के लिए है तो जेड के लिए यहाँ पे क्या आएगा वाई एंड x आएगा फिर x की रिसेंट मोस्ट वैल्यू कौन सी होगी x2 होगी एंड z की y की रिसेंट मोस्ट वैल्यू कौन सी होगी y2 होगी ओके सो इतना तो समझ में आ गया अब इक्वेशंस रिसीव करने मुझे आप लोग को तो सामने मिल जाएंगे तो so, so, पे क्या आएगा ट्वेंटी सेवन एटी फाइव माइनस सिक्स फाइव प्लस फोर वन अपॉन ट्वेंटी सेवन 85 minus 6y plus z. Hope so. ये मैंने सही लिखा है. One second. Let me write all the equation ताकि confusion ना हो. So मैंने equations लिख लिए क्योंकि disturbance create हो रहा था उसकी वजह से. अब हमें क्या करना है? सिर्फ ऊपर वाली कुछ values उठा के इसके अंदर डालनी है. जैसे कि यहाँ पे देखो 1 27. 85 minus 6y1. Most usse, most value of y1 क्या थी हमारे पास? One 3.543

79.55 this 79.55 just divided by 27 you will get your answer to be equals to 2.946 something as i don't know shadmanik gujarat kiya ki. received Receive karte time let us see that is 85 minus 3.6 how can i do that thing napis 6l oh my god you should not do this thing also. disturb answer distro bhagata. this is 85 minus 6 into 3.54 minus 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 no, eight plus 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 1.91. that is equals to 65.67. this you divide it by 27. you will get your answer to be equals to two point four three two 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 two. just receive.

इंटू जेड वन जेड मोड वन की मोस्ट रिसेंट मोस्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास वन पॉइंट नाइन वन थी तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे वन पॉइंट नाइन वन डालेंगे फिर इसकी वैल्यू हमें कुछ मिल जाएगी देखते हैं क्या मिलती है कैलकुलेट करो इसको तो आपको क्या मिलना है सेवेंटी टू माइनस सिक्स इंटू टू पॉइंट फोर थ्री माइनस 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 दोनों माइनस टू इन टू ट यू भीडी गेट योर आंसर एज थ्री पॉइंट फाइव सेवन थ्री 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 जस्ट रिसीव थ्री पॉइंट फाइव सेवन यहाँ पे आपको क्या मिल गया थ्री पॉइंट फाइव सेवन मिल गया ओके नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास अब हमें जेड की वैल्यू निकाली है हमारे पास रिसेंट मोस्ट वैल्यू एक्स एन वाई की मिल चुकी है सो so, हम यहाँ पर डायरेक्टली सब्सिट्यूट कर देंगे उसको फोर हंड्रेड एंड टेन माइनस एक्स टू क्या आया 2.43 वाई टू क्या आया हमारे पास माइनस ऑफ 3.57 पॉइंट फाइव कैलकुलेट तो आपको क्या आना है 110 एंड टेन माइनस टू माइनस थ्री यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल टू हंड्रेड एंड डिवाइडेड बाई फिफ्टी यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल टू 1.9259 पॉइंट नाइन

टू बी इक्वल्स टू टू पॉइंट फोर थ्री वाई टू की क्या मिली है हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव सेवन एंड जेड टू की क्या मिली है वन पॉइंट नाइन टू अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो जेड की वैल्यू तो मुझे सिमिलर दिखाई दे रही है वाई की वैल्यू भी मुझे सिमिलर दिखाई दे रही है एक्स की वैल्यू लेटेस्ट चेक एक्स की वैल्यू हमें ऊपर क्या आई थी एक्स की वैल्यू हमें ऊपर आई थी थ्री पॉइंट वन फाइव एंड यहाँ पे हमें आई है टू पॉइंट फोर थ्री अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं है थोड़, थोड़ा बहुत सेम डिसिमिलर रहता तो चलता बट तो ये बहुत है, तो थर्ड हाइट्रेशन में भी जाते है। चलो। तो नहीं बढ़ा <clears throat> so, की तरफ हम बढ़ते हुए थर्ड आइट्रेशन में आप क्या करोगे किसकी वैल्यू निकाल रहे हो जल्दी जल्दी बताओ वैल्यू फिर एक्स थ्री की वैल्यू क्या है

यहाँ पे क्या आएगा Z3 Z3 की वैल्यू क्या मिलेगी वन अपॉइंट फिफ्टी फोर हंड्रेड एंड टेन माइनस एक्स टू एक्स टू एंड टू तो हमें यहाँ पे X एंड Y की मोस्ट रिसेंट मोस्ट वैल्यू क्या मिल रही है पहले तो हमें यहाँ पे थ्री से एक्स uh, थ्री मिल रहा है और उसके ऊपर क्या मिल रहा है Y3 मिल रहा है सो वैल्यू सब्सिट्यूट करो सिंपली एंड आंसर निकालो चलो वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं यह आपको मिलना है समथिंग ट्वेंटी सेवन एटी फाइव माइनस सिक्स इंटू वाई टू की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.57 प्लस z2 क्या मिला हमें 1.92 नेक्स्ट 1.27 सॉरी 1.15 बट हमें इसके लिए x2 की वैल्यू जरूरी है सो so, uh, x3 की सो लेट अस कैलकुलेट तो ये क्या हैगा 85 माइनस 6 इनटू 3.57 प्लस 1.92 यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल तू 65.5 दिस यू नीड टू डिवाइड बाय 627 तो आपका आंसर मिलेगा 2.42 क्या मिल रहा है आपको 2.4259 ब्ला 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 तो आप 42 लिख दो इतना ही लिख दो क्योंकि ऊपर हमें क्या मिला था 2.43 मिला था यहाँ पे क्या मिल गया 2.42 मिल गया सिमिलर ही है थोड़ा सा 0.02 0.01 का फर्क है तो इससे फर्क नहीं पड़ना सो so, ये हमारा एक स्टेबल हो गया उसके बाद क्या है हमारे पास 72 टू माइनस सिक्स एक्स थ्री की हमें वैल्यू क्या मिली यहाँ से टू पॉइंट फोर टू उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ टू इंटू जेड टू था सो माइनस ऑफ टू इंटू जेड टू जेड टू की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली थी अस रिसीव वन पॉइंट नाइन टू कैलकुलेट करो कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से सेवेंटी टू माइनस सिक्स इंटू टू पॉइंट फोर टू माइनस टू इंटू वन सॉरी 1.92 तो आपको आंसर मिल रहा है 53.64 दिस यू डिवाइडेड बाय 15 यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 3.576 आपको क्या मिल रहा है यहां पे 3.576 मिल रहा है अब यहां पे देखो आपको क्या मिल रहा था 3.57 मिल रहा था यहां पे 3.576 मिल गया है सो so, हम ये सिक्स को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि डेसिमल था हमने दो दो डेसिमल ही कंसिडर किया है तो हमें आंसर मिल गया थ्री पॉइंट फाइव सेवन ये तो अप्रोक्सीमेटली क्या है तो पूरा ही सेम है हमारे वाई के वैल्यू को फिर उसके बाद लेट अस कैलकुलेट इट फॉर यहाँ पे ओके फिफ्टी फोर हंड्रेड एंड की हमें क्या वैल्यू मिली ऊपर दैट वॉज टू माइनस वाई थ्री वाई थ्री की जस्ट वैल्यू हमें क्या मिली थ्री पॉइंट फाइव सेवन राइट अब कैलकुलेट करो इसके लिए <coughs> इसको इग्नोर करना बाल की वजह से हुआ है so, यहां पे आपको क्या मिलेगा हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड टेन माइनस टू पॉइंट फोर टू माइनस थ्री पॉइंट फाइव सेवन आपको आंसर मिल रहा है हंड्रेड एंड फोर पॉइंट जीरो वन This you by 54 आपको आंसर मिला so just, आपको क्या मिला? मिल गया है ना तो आप इसको भी तो लिख सकते हो यू कैन राइट एट क्योंकि 2, है, तो आप 3 भी लिख सकते हो इफ यू वांट आप 3 लिखो नहीं चाहते ऊपर का भी आंसर हमें 1.92 मिला है तो आप वो लिख दो हाँ किसी किसी को वन आ रहा है तो भी चले गए फर्क नहीं पड़ता सेम ही है सो so हमें इससे ये समझ में आया कि हमारे x की वैल्यू इज समथिंग 2.42, y की वैल्यू इज समथिंग 3.57, पॉइंट फाइव की वैल्यू 1.92 कैसे मैंने ये चीज कंक्लूड कर दी बिकॉज आप नोटिस करोगे तो थर्ड एक्शन एंड सेकेंड एक्ट्रेशन की जितनी भी वैल्यूज थी वो अप्रोक्सीमेटली या इक्वल्स टू ही थी दोनों एक दूसरे से सो so इससे हमें समझ में आया द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस इज दिस एंड इज दिस इतना आपको समझ में आ गया होगा सो so, ये छोटा सा एक टॉपिक था हमारा जो कि रिलेटेड थे दोनों अगर आपको वो वाला लेक्चर में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी तो इसके लिए सॉरी बट ये चीजें सेम है थोड़ा सा छोटा सा फर्क था इसमें हम रिसेंट मोस्ट वैल्यू यूज करते हैं और उसके अंदर हम क्या करते थे जस्ट ऊपर वाले एट्रेशन की वैल्यूज रिसीव कर लेते थे एंड सॉल्व करते थे ओके okay? सो so, ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको ट्रायल के लिए दे रही हूँ एक्स टू प्लस एक्स थ्री यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने आपको एक्स एंड इनकी जो वैल्यूज है वो मैंने एक्स वाई जेड नहीं दी है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री दी है आपको इसके साथ कैलकुलेट का, का, करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो पता है मैं भी एक काम करती हूँ लेटस डू वन थिंग क्योंकि इतना हो सकता है कि प्रॉब्लम हो क्योंकि जब हमें आदत हो जाती है क्योंकि ये ट्रायल है आपके लिए तो so, यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड हो आपको समझ में आएगा क्योंकि और हाँ लास्ट क्वेश्चन में लास्ट जो मैंने ट्रायल क्वेश्चन दिया था ना आपको ये वाला वन सेकेंड यहाँ पे था वो इसके अंदर मैंने भी एक छोटी सी गलती कर दी थी दैट वॉज कि यहाँ पे यहाँ पे फोर्टीन था मैंने एक आप ही ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैम आपने गलत समझ दिया है गलत नहीं था वो एक्चुअली कभी कभी रेज हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे फोर्टीन था वो सो so, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम फेस किया होगा तो आप वो करेक्ट कर दो आपको समझ में आ जाएगा ओके okay? सो so, ये था आप इसके साथ सॉल्व करोगे क्या करोगे सबसे पहले आप एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू करोगे एंड इस तरीके से आप एक्स वन वाई वन एंड जेड वन निकालोगे फिर इसके बाद ऊपर वाले मोस्ट वैल्यू को यूज करते करते आप इटरेशन रिपीट करोगे टिल टिल द पॉइंट यू गेट अप्रोक्सीमेटली योर आंसर टू बी क्वल टू एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1, y की वैल्यू आपको क्या मिलनी है एंड की वैल्यू आपको क्या मिलेगी मैंने के वो X1, X2, y, X3 नहीं दिया है क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है उससे तो आई डोंट वॉन्ट दैट थिंग आप क्या करो क्योंकि कभी कभी उठाओगे तो गलती कर दोगे डोंट डू तो अज्यूम करो कि वो एक्स वाई एंड जेड ओके सो आपको यहाँ पे क्या मिला वन 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 इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपको और आपको एक और ट्रिक मैंने सिखाई थी कौन सी वाली कि आप क्रॉस चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर जो आया है वो अप्रोक्सिमेट वो सही है या नहीं तो यहां पे देखो मैंने यहां पर टू इंटू वन क्या होगा टू टेन इंटू वन क्या होगा टेन यानी टू प्लस टेन इज वन प्लस वन इज थर्टीन यहाँ पे भी हो रहा है उसी प्रकार आप हमने जो लास्ट सम किया ना उसमें भी आप वेरीफाई कर सकते हो आपका आंसर सही है या नहीं कैलकुलेटर से करना ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि ये पांच मार्क मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता ये था एक ट्रिक फिर ये वाला सम ट्राई करो अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं हम ट्राई करेंगे ना सो थैंक सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्स दैट यू फेस्ड इन दैट लेक्चर ओके बट स्टिल आपको मैं वो रिपीट करवा सकूँ रिविजन भी हो गया उसके साथ हमारा ओके सो थैंक यू सो मच एंड लेक्चर ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना प्यार दिखाने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को एंड वन सेकेंड एंड कमेंट करना अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी एंड सब्सक्राइब करना चैनल को टिल देन Take care of yourself and see you soon in the next lecture. Bye bye.